गाइस आज जो फंसे है ना, इतना आज तक नहीं फंसे भाई। मतलब गूगल मैप ने पता नहीं किस गली में घुसा दिया हमको, इतनी मुश्किल से बचाई है मैंने गाड़ी। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी अभी जस्ट उठा हूँ मैं, और अभी मैं हूँ हरियाणा में। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा मैं हरियाणा में हुआ था, तो अभी फिलहाल मैं हूँ नवीन के घर पर, अपने बचपन के फ्रेंड के घर पे। तो कल रात को हम यहीं पर रुके थे, तो हाँ अभी जस्ट उठा हूँ मैं। और आज हमारा प्लान है जाने का अमृतसर गोल्डन टेम्पल, जहाँ मैं आज तक कभी नहीं गया। तो हाँ यहाँ से अराउंड 6-7 घंटे का रास्ता है, तो जल्दी से नहाते हैं, रेडी होते हैं और निकलते हैं यहाँ से सीधा अमृतसर के लिए। तो ये रूम है जहाँ पे हम रात को रुके हुए थे, और ये देखो भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6 भाई 6 लोग सोए हुए थे यहाँ पे। हम यहाँ गगन सोया था, यहाँ नवीन सोया था, यहाँ अंकुश सोया था, ये निर्मल भैया, और साहिल अपना मस्त अकेला यहाँ पे, लेकिन नींद मस्त आई भाई। भाई जल्दी रेडी हो जाओ, चलो अब चलते हैं नहाने वहाने। कपड़े वपड़े ले लिए मैंने, ब्रश भी ले लिया, तो अभी हमको नहाना है यहाँ पे। शावर चलता है? चलता है, चलो फिर तो नहाते हैं। तो गाइस मैंने तो नहा लिया, अब बाकी सबको बोलता हूँ। तो गाइस इससे मिलो, ये है बेबी, इसको आपने देखा होगा पुराने, बहुत पुराने व्लॉग में, मतलब उस टाइम ये बहुत छोटी थी बहुत। और ये देखो मस्त चॉकलेट खा रही है। चॉकलेट नहीं खाते हैं? क्यों? दांत खराब हो जाते हैं? दांत गिर जाएंगे, दांत में कीड़ा लग जाएगा ना। दांत में कीड़ा? दांत में कीड़ा गिरेंगे नहीं, कीड़ा लग जाएगा। गिलेंगे नहीं, दांत टूट जाएंगे, दांत निकल जाएंगे, फिर कुछ खा नहीं पाओगे, फिर कुछ खा नहीं पाओगे ना। फिर खाना खा पाऊंगा तो फिर सारे दांत टूट गए। सारे दांत टूट जाएंगे। एक भी नहीं आएगा, सब में कीड़ा लग जाएगा। दो भी नहीं आएंगे। आप छोटे थे जब चॉकलेट खाते थे? नहीं, मैं नहीं खाता था चॉकलेट। छोटे थे जब? नहीं खाता था मैं। छोटे थे जब? मैं जब छोटा था तब भी नहीं खाता था। बड़ा कब होऊंगा मैं? बड़ा कब होऊंगा? बड़ा जब ज्यादा खाओगे। जब दूध पियूंगा तब? हाँ जब दूध पियोगे। अभी पढ़ाई कर रहे हो? कल मेरा जाम है। अच्छा एग्जाम है? तो मेरी मम्मी को मारेगी। तो मैम मारती है? डंडी से। ओहो, तो चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। हमारे साथ में नवीन भी जा रहा है आज, साहिल, मैं, निर्मल भैया और नवीन, तो हम 4 जने हो गए अब। तो अभी गाइस खाना पीना भी हो चुका है, अब फिलहाल निकलते हैं और बेबी को बाय बोलते हैं। बाय। चलो फिलहाल चलते हैं, बहुत मजा है उसके साथ में आज। तो अब चलते हैं अपनी गाड़ी तक, हमने अपनी गाड़ी कहीं और पार्क की थी, बिकॉज यहाँ तो आ नहीं पाती। देखो तो गाड़ी हमने खड़ी करी थी कल यहाँ पे इस वाले घर में, तो हाँ यहाँ से उठाते गाड़ी और चलते हैं। तभी सामान पैक कर दिया सारा, चल 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 चल। तो अभी गाइस निकल पड़े हैं अमृतसर गोल्डन टेम्पल के लिए, और यहाँ से दिखा रहा है 6 घंटे लगेंगे, 375 किलोमीटर है। तो भी गाइस हम किसी गांव में घुस गए हरियाणा के, और देखो यहाँ पे गाय गाय हैं, तो अब इनको क्रॉस करना है हमको। गाइस ये रोड देखो कितना मस्त लग रहा है। इधर वाले पेड़ के ऊपर। तो गाइस अभी हमने आधा रास्ता कवर कर लिया, और मैंने भैया को दे दी चलाने के, तो निर्मल भैया चला रहे हैं यहाँ पे। और देखो यहाँ पे भाई ये मस्त अपना सोर का उसकी गोदी में, और देखो दोनों की सेम टी शर्ट है, कपल्स गोल। तो अभी गाइस 4 बजने वाले हैं और भूख लग रही है इतनी तेज, और देखो आसपास कुछ मिल ही नहीं रहा, पर ढाबा नहीं, कुछ नहीं मिल रहा, तो अभी ढूंढ रहे हैं कुछ मिल जाए खाने के लिए। अभी ये क्या हो गया भाई, कपल गोल्स, कभी वो उसकी गोद में सो रहा है, कभी वो उसकी गोद में सो रहा है। गाइस लेकिन इतना मजा आ रहा है ना फ्रेंड्स के साथ में रोड ट्रिप पे, रास्ता देख देख के, बातें कर करके। तो अभी गाइस रुके हैं, हमको पता क्या दिखा, भंडारा सा हो रहा है यहाँ पे। तो अभी गाड़ी यहाँ पार्क कर दिया, चलते हैं वहाँ पे देखते हैं, इधर बैठेंगे फिलहाल। फिलहाल अभी चाय पियेंगे, तो यहाँ पे पकौड़े और चाय हमारे पास। तो भी गाइस मस्त लंगर खा के आ गए हम, थोड़ा बहुत भूख भी शांत हो गई हमारी, और काफी अच्छा भी लग रहा है। अब मैं चलाऊंगा। तो फाइनली गाइस अमृतसर पहुंच चुके हैं, और ये है अमृतसर का गेट, ये जो गोल्डन टेम्पल वाला गेट है। तो भी गाइस हम सीधा गोल्डन टेम्पल नहीं जा रहे, बिकॉज काफी थके हुए हैं ना, तो पहले हम होटल जाएंगे। तो सबसे पहला काम है हमारा होटल ढूंढना, तो होटल ढूंढेंगे, कोई बुकिंग वगैरह नहीं करा रखी हमने, कोई आसपास कोई भी होटल ले लेंगे। तो भी गाइस फंस गए हैं, पता नहीं कहाँ आ गए हम, गली के अंदर। आजा आजा, क्या कर रहे है? अब यहाँ से तो बहुत कम जगह है, लेकिन निकल जाएगी भाई, यहाँ पे ट्रैफिक लग गया भाई। आजा आजा, क्या करें भाई, अब कैसे निकलेगी?
भाई पूरा ट्रैफिक लग गया। और काट और काट और काट, बस 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 सीधा। अब मेन टास्क है यहाँ से निकालना। टाइम ख़राब, बहुत टाइम ख़राब हो गया यहाँ पे। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अब पूरा जाम लग गया है यहाँ पे हमारी वजह से। रुको भाई, रुको 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 भाई, कितनी कम जगह भाई, लग ना जाए। आजा 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 भैया, आजा आजा भाई, जाम लग गया भाई। भागना पड़ रहा है गाइस। सारी गलती गूगल मैप्स की है, आज के बाद गूगल मैप्स फॉलो नहीं करूंगा भाई। गाइस आज जो फंसे है ना, इतना आज तक नहीं फंसे भाई। मतलब गूगल मैप ने पता नहीं किस गली में घुसा दिया हमको, इतनी मुश्किल से बचाई है मैंने गाड़ी। अगर गूगल मैप आपको आपको कह रहा है कि इस गली में घुसाओ, तो मत घुसाना भाई, कभी मत घुसाना भाई। मेन रोड से चले जाओ, अमृतसर आके ये गलती मत करना कभी भी। ये बाइक हटा दो भाई, बाइक। तो फाइनली गाइस निकल गए हम मार्केट से, पता नहीं कहां घुस गए थे हम। अब सही खुली खुली रोड आ गई है भाई। वो टाइम इतनी मुश्किल से गुजरा ना, ड्राइवर को ही पता होता है उसके ऊपर क्या बीतती है, जब चारों साइड ऐसे गाड़ियां गाड़ियां सारे हॉर्न मार रहे हैं भाई। बहुत खतरनाक सीन था वो। तो एक सब्सक्राइबर मिल गए थे, उन्होंने हेल्प कर दी भाई। हम कहीं भी जाते ना, सब्सक्राइबर हमारी हेल्प कर देते हैं। फाइनली गाइस होटल मिल गया है, ये होटल मिला है, पार्किंग भी मिल जाए बस, होटल तो मस्त लग रहा है भाई। तो इन भाई ने हमारी हेल्प की थी जाम से निकलने में, थैंक यू भाई। आपका वेलकम अमृतसर में, बहुत अच्छी तरह से वेलकम हो गया हमारा। तो फिलहाल अभी देख रहे हैं यहाँ पे रूम्स वगैरह मिलते तो हमको। तो फाइनली गाइस दो रूम हमको मिल गए, सारा सामान निकाल रहे हैं, सामान निकाल के चलते हैं। तो गाइस फाइनली रूम में आ चुके हैं। तो कुछ इस तरह का रूम है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये कुछ छोटा सा रूम है लेकिन सही है, तो दो जने आराम से सो सकते हैं यहाँ पे। तो मैं और निर्मल भैया, फिर मैं साहिल, कोई भी सो जाएगा यहाँ पे। तो फिलहाल कुछ इस तरह छोटा सा है यहाँ पे, लेकिन क्यूट सा लग रहा है। देखो सिंपल सा है लेकिन क्यूट सा है। और देखो कुछ इस तरह का यहाँ पे अलमीरा वगैरह है, नॉर्मली जैसा होता है सब। ये वॉशरूम हो गया, यहाँ पे नहाने का हो गया, सही है। लेकिन एक दिक्कत हो गई फिर से, मेरे कैमरे का माइक या फिर इसका जैक खराब हो गया। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उसकी आवाज़ ही नहीं आ रही भाई, पता नहीं क्या हो रहा है यार मेरे साथ। अभी यहाँ जाम में फंस गए थे, अब कैमरा खराब हो गया, फ़ोन से शूट करना पड़ेगा मुझे। पता नहीं गाड़ी में हिला इसका क्या टूटा, तो ये अब काम ही नहीं कर रहा इसका माइक, अब मैं इसे शूट ही नहीं कर पाऊँगा। चलो जो भी है, फिलहाल तो अभी भूख लग रही है, कुछ खाएंगे यार। और अभी टाइम देखो 8 बजे हम होटल पहुँचे, पूरे 2 घंटा लेट, 2 घंटे हम फंस गए थे। चलो जो भी है, अमृतसर पहुँच गए हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। तो हम गोल्डन टेम्पल जाएंगे रात को 2 या 3 बजे, बिकॉज उसी टाइम पे भीड़ नहीं मिलेगी, तभी हम दर्शन कर पाएंगे। अभी हम बिल्कुल भी दर्शन नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। सब्सक्राइबर कह रहे थे अभी मत जाना, रात को 2 या 3 बजे जाना, लाइन में लगना। यार ये एडिटिंग टेबल देखो कितनी क्यूट लग रही है, यहाँ पे लैंप रखा है और बिल्कुल सिंपल सी है, इतनी मस्त सी लगी। मैं सोच रहा हूँ अपने रूम में ऐसी बनाऊंगा। तो हाँ यहाँ पे देखो मैं सपना, छोटी सी है, अपना एक लैपटॉप आ जाएगा यहाँ पे। तो गाइस ये वाला रूम है साहिल और नवीन का, दोनों कपल्स का। इनका बड़ा रूम है थोड़ा। देखो खाने के लिए हम जा रहे हैं होटल से बाहर, हम होटल के रेस्टोरेंट में नहीं खा रहे। तो रात को अमृतसर कुछ ऐसा दिखता है, देखो अब समझ में नहीं आ रहा जाए कहाँ पे, हमको पता नहीं है ना कहाँ पे बढ़िया खाना मिलेगा। तो गाइस गोल्डन टेम्पल जाने का रास्ता यहाँ से है, जो कि हम सुबह जाएंगे। तो अभी हम आए यहाँ पे खाने के लिए, तो यहाँ पे सही है दाल रोटी भाई, मैं तो दाल रोटी। तो अभी गाइस हमारा खाना आ गया है, मस्त दाल दही और रोटी, रोटी के नाम पे यहाँ पे यही मिलता है, यहाँ पे तवा रोटी नहीं मिलती। तो अभी गाइस रात के 10:30 बजने वाले हैं, एडिटिंग मैंने स्टार्ट कर दी है और हमारा गोल्डन टेम्पल जाने का अभी तो प्लान नहीं है। हम रात को जाएंगे 2 या 3 बजे, सारा काम कंप्लीट करने के बाद में नहा धो के, वो बिल्कुल पॉजिटिव माइंड, बिल्कुल शांति से। अभी जल्दीबाजी में नहीं जाने को तो अभी जा सकते थे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, आराम से बिल्कुल शांत मन से नहा धो के अच्छे से। और रात को हमारा नंबर भी आ जाएगा, 3-4 बजे खुलता है वो, तो हम 3 बजे लाइन में लग जाएंगे। तो यही प्लान है। तो फिलहाल तो मैं एडिटिंग स्टार्ट करता हूँ, बस एडिटिंग हो जाएगी थोड़ी देर, एक दो घंटा सो भी लूँ अगर नींद आएगी तो। बाकी मेरे को तो लगता नींद आएगी, बिकॉज एक्साइटमेंट हो रही है जाने की, बिकॉज मैं आज तक कभी गया भी नहीं हूँ। तो हाँ काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है यहाँ पे आ गया अमृतसर में, बहुत बढ़िया है। तो भैया इस रात के 3 बजने वाले हैं, फाइनली एडिटिंग कम्प्लीट हो गई, अपलोड भी कर दिया मैंने। तो हाँ अब फिलहाल चलते हैं गोल्डन टेम्पल, जो कि आप नेक्स्ट व्लॉग में देखना। फिलहाल मैं इस व्लॉग का एंड करता हूँ। तो ये व्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक कर देना एंड चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना। मिलते गए जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये मैं ले लूं घर से तो लेके जाना है, घर लेके जाना है, ले जाऊं? नहीं ले जाऊं, मम्मी को नहीं बताना, मम्मी को नहीं ले रहा।